बॉक्स का पहला शुमारा लेकर हाजिर हैं। अगर फिरदौस पर ओए जमी अस, हमी अस तो, हमी अस तो, हमी अस। आज हम आपको धरती पर स्वर्ग यानी वादिये कश्मीर के तुलू अर्ज में पहुंचाकर गांव और कस्बों की झलक दिखाएंगे, ताकि अमन और खुशहाली की राह पर आगे बढ़ते हुए प्राचीन संस्कृति, सरकार की कोशिशों और आम जनता की ख्वाहिशों से रूबरू हो सके। हम आज का सफर शुरू करते हैं बनिहाल टनल से और चलते हैं अनंतनाग के कुछ इलाकों में। आइए आप भी इस सफर में शामिल हो जाइए। ये मंजर है जवाहर टनल का, जो वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने में शाहराग की हैसियत रखती है। पहाड़ चीर कर बनाई गई ये टनल फन तामीर का एक नायाब नमूना है। 1942 के बाद जम्मू कश्मीर में जो सबसे बड़ा तरक्याती मंसूबा वादी में लिया गया वो यही जवाहर टनल थी। ये टनल 1954 में मुकम्मल हुई और इसका इफ्तिता उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने किया। इसकी तामीर से बाकी मुल्क के साथ कश्मीर का राबिता आसान हो गया और मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ यहाँ के लोगों का कारोबार बढ़ गया और कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन हो गया। ये सिलसिला 1990 तक जारी रहा। नागुजेर हालात की वजह से सबसे ज्यादा असर तरक्याती कामों पर पड़ा और आम आदमी के लिए वसाइल महदूद हो गए, लेकिन हर अंधेरी रात के बाद उजाला होता है और आज पूरी वादी कश्मीर तरक्याती कामों की रोशनी से मुनव्वर है। ये मंजर है वादी कश्मीर के उन इलाकों का जो अनंतनाग जिले में पड़ते हैं। इस इलाके को कुदरत ने खूबसूरती से दिल खोल कर नवाजा है, जहां शहराए आफाक सेरगा पहलगाम इसी जिले में वाका है, वहीं अच्छबल, कोकरनाग और अहरबल के दिलफरीब आबशार इसकी जीनत में चार चांद लगा रहे हैं। यहाँ के मंजर इतने जाज़िबे नज़र हैं कि हर एक शख्स की दिली तमन्ना यही होती है कि वो अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार इनसे लुत्फ अंदोज हो।
यह है वेरीनाग। पीर पंचाल के दामन में वाका वेरीनाग कुदरत की इन्हीं इनायतों में से एक खूबसूरत इनायत है। वेरीनाग का यह चश्मा कश्मीर की तारीख में जबरदस्त अहमियत रखता है, क्योंकि इसी चश्मे से वादी की रूह कहलाने वाला दरियाई जहलम निकलता है। रिवायत है कि हजारों साल कबल सती सर से पानी निकलने के बाद कश्यप ऋषि की दरख्वास्त पर माता सती से इल्तिजा की गई कि कश्मीर के लोगों ने पशाचों की सोहबत में जो पाप किए हैं उनको धो डालने के लिए वो अपने आप को वादी में दरिया के रूप में जाहिर करें। इस पर उसने पाताल में दरिया का रूप धारण किया और शिवजी से कहा कि वह ऐसी जगह का इंतजाम करें जिस जगह पर वो अपने आप को जाहिर करें। ये सुनकर शिवजी ने उसी जगह पर अपने त्रिशूल से एक सुराख किया और इसी सुराख से वेतस्ता बह निकली। जिस जगह वेतस्ता ने जन्म लिया वही जगह आज वेरीनाग कहलाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ वेरीनाग सयाहों की एक मनपसंद सैरगाह बन गया और हजारों की तादाद में सैलानी तफरी करने और सुकून पाने यहाँ पहुँचने लगे। गुज़श्ता बरसों के पुराशो दौर में वेरीनाग वादी के दूसरे सयाहती मकामात की तरह सूना पड़ गया था, लेकिन अब जब काले बादल छटने लगे हैं यहाँ सयाहों की आमद का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। So far my knowledge goes, I think Kashmir is much more beautiful than that of Switzerland. And we have gone through the papers, literature, pictures, snaps, photography and movie also. We went everywhere, what can be possible. Pahalgam, we went Sonmarg, Gulmarg, everywhere. So it's simply heaven to me. There cannot be anything else beauty than Kashmir. What we have heard, we didn't feel here anything. And apparently we didn't feel here any problem. हम तो सबको बोलेंगे शायद लाइफ में एक बार कश्मीर आ जाओ। इस चश्मे से निकलने वाली वेतस्ता अब वेत और जहलम के नामों से ज्यादा मशहूर है। ये दरिया कश्मीर की वादी के उतार चढ़ाव का गवाह रहा है। जनूब से शुमाल तक पूरी वादी से गुजरने वाला दरियाई जहलम उस दौर का शाहिद रहा है जब कश्मीर में चारों तरफ अमनो सुकून था और इंसान दोस्ती की रिवायत उरूज पर थी। कश्मीर और कश्मीरियों की अमन पसंदी इस रिवायत से आया है कि अगर आसमान पर कहीं लाली दिखाई दे तो समझना चाहिए कि कहीं किसी का खून नाहक हुआ है। ये दरिया उस दौर का गवाह है जब कश्मीरियत की अजीम रिवायत परवान चढ़ रही थी। जहलम के किनारे बसा शाह आबाद का ये गांव इस सिलसिले में एक मुनफरिद मकाम रखता है। ये इलाका इल्म अदब के लिए मशहूर रहा है, जहां गजल गो शायर महमूद गामी पैदा हुए थे। महमूद गामी ने अपने कलाम से सूफी शायरी की रिवायत को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि उसको एक अंदाज दिया। चान बर तल रायम रचे आवाज वचिनो चान बर तल रायम आवाज वचिनो साहिबो लगई चान कुदरत यन उछ मई नूरान चो
साहिबो लगई जान कुदरत यन उछ मई नूरान चो चान नूर छम तलब आवास वसीनो बल बली मई पखियास गल कत्या संसार बल बाली मई पखियास गल कत्या संसार कमन सूरतन छे गसान म्याच आवाज वचिनो आवाज वचिनो शाहबाद में ही मोहब्बत के तराने लिखने वाले मशहूर रोमानी शायर रसूल मीर ने भी जन्म लिया। उनके नगमे इश्क मजाजी को इस तरह बयां करते हैं कि वो कश्मीर के हर फर्द की जुबां पर हैं। मरहूम मोहतरम जनाब रसूल मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ये हमारे कस्बे में ही पैदा हुए हैं। गालिबन इनकी उम्र 30 से 35 साल रही है क्योंकि जनाब मौसूफ़ ने आलमी शबाब में ही दुनिया से इंतकाल फरमाया है और अल्लाह को प्यारे हुए हैं। तमाम दुनिया जानती है कि रसूल मीर साहब कश्मीर का जान कीटस है और इसको रोमांटिक अंदाज में पेश किया जाता है, लेकिन जहाँ तक मैं कहूँगा तो मैं इसके साथ थोड़ा ही इत्तेफाक करता हूँ। हमारे लिहाज से जो रसूल मीर साहब हैं तो ये हैं एक शायर आश के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इनका कलाम इसके लिए शाहिद है। हमारे इस दोरु शाहबाद का नाम जनाब ने रोशन फरमाया। इनको इस दरबार हज़रत अमीर कबीर से बहुत उनसियत थी, बहुत मानूस थे इस दरबार से, तो इन्होंने खुद ही फरमाया था कि मुझे यहाँ दफन कराया जाए। तो लेकिन इनकी इंकसारी इतनी थी, इतने बुलंद होने के बावजूद, इतने बुजुर्ग होने के बावजूद इंकसारी इसी थी कि लोगों ने इनका कहा कि यहाँ क्यों नहीं आपका मज़ार, तो उधर दूसरी जगह पर है इनका इनके अपने ख़ानदान का मज़ार, तो उधर क्यों नहीं आपको दफन करेंगे। तो इसने कहा कि कोई बुज़ुर्ग होगा, कोई अल्लाह का प्यारा होगा जो कि दुरूद खानी करता होगा, एक तो मुझे इस दरबार से उनसे सुबह शाम मैं दुरूद की आवाज़ सुनता रहूँगा, तो कोई खिड़की खोलेगा, खिड़की से मेरी तरफ नमाज़ पढ़ के दुरूद पढ़ के नज़र देगा तो मुझे वहाँ आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा। तो लिहाजा इसीलिए इनको यहाँ दफन किया है। तो इसीलिए आप ये जो नया तैमीर हुआ था अब ये सातवें खिड़की के छोड़कर सातवीं पर आया है, तो लेकिन पहले ये तीसरी खिड़की पर आया है। तो यहाँ डायरेक्ट आप देखते हैं कि अंदर से इसी इधर ज़ियारत हज़रत अमीर कबीर है और बाहर से ये बैठे हैं। यहाँ का छोटा बच्चा भी जो थोड़ा सा बालिग हो, जिसमें थोड़ा सा अकल का शोर आता है, वो भी जानता है कि रसूल मीर क्या है, क्योंकि इसके इसके नाम से ही एक पहचान है इस दौर की। बतनो
क्या कर थो था जर जर बाल मर शर्मंद कर थास आफताबो कंद हार कज चान गज सो लज सही दरे बाल मरयो शमशाद कामात आम हलान बार अशकून है खम गो पुश्त पिछले चंद वर्षों के दौरान रवां लब इजहार के मुकफ्फिल होने से कुछ देर के लिए इन नगमों को खामोश कर दिया था। नामासाइद हालात ने कश्मीर में सबसे ज्यादा तालीम के शोबे को मुतासिर किया, लेकिन यहाँ के बाशऊर अवाम ने हर चैलेंज का मुकाबला करते हुए इल्म की लौ को बुझने नहीं दिया। सरकार की कोशिश और अवाम के इश्तराक से स्कूल न सिर्फ दोबारा तामीर कराए गए बल्कि वो जदीद तरीन साजो सामान से आरास्ता कराए गए। तालब इल्मों को इस तबाहकारी से जरूर नुकसान पहुंचा, लेकिन अब नई नस्ल इस दर्दनाक दौर को भूलकर आगे बढ़ने के लिए कोशां है। वो तालीम हासिल करके इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनना चाहते हैं और मुल्क के दूसरे बच्चों की तरह अपना और अपने मुल्क का मुस्तकबिल रोशन बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो बच्चे घरों में तालीम नहीं हासिल कर रहे हैं उनके दिलों में हम ये जज्बा पैदा करें कि वो भी तालीम हासिल करें। हम चाहते हैं हमारे मुल्क में तालीम का इनकलाब आए, हम भी दूसरों की तरह तालीम हासिल करें। जिस तरह यूरोपीय मुल्कों में सभी तालीम हासिल कर रहे हैं, हमारे मुल्क में भी सभी इलिटरेसी ख़त्म हो जाए, हम भी तालीम हासिल करें। हमने ये जुलूस इसलिए सड़कों पर निकाला क्योंकि सभी सुनेंगे तालीम का मतलब क्या है, तालीम से इंसान को कौन सा मुकाम दिया जा रहा है, सभी जहाँ भी वो जाए वहाँ। अनंतनाग ज़िले के इस इलाके ने कश्मीरी ज़बाँ को मुतअद्दिद शायरों से नवाजा है, जिनकी शायरी ने लोगों को रूमानी सुकून बख्शा। इसके साथ साथ ये इलाका तमद्दुनी सरगर्मियों का गहवारा रहा है। सुभान भगत जैसी शख्सियत इसी इलाके की देन है। अगर हम अकिनगाम को एक आर्टिस्टिक विलेज की सूरत में देखेंगे तो हम ज़रा हिस्ट्री पर गौर करें कि सर वाल्टर लॉरेंस साहब ने अपनी वैली ऑफ कश्मीर में बखूब इसका जिक्र किया है। उसने यहाँ के रहन सहन के बारे में, यहाँ के आर्टिस्टों के स्ट्रक्चर के बारे में, उनके फ़न के बारे में, म्यूज़िक के बारे में तफसील से उस किताब में जिक्र किया है। किनगाम के जो भगत हैं ये तो सारी वादी में इनको माना और जाना जाता है। लोक ड्रामे और लोक नाच, यहाँ लोग शौक के अलावा पेशे के तौर पर इख्तियार कर गए। हालांकि तमद्दुनी सरगर्मियाँ कुछ देर के लिए थम सी गईं, लेकिन हालात में बेहतरी आने के बाद और सरकार की हौसला अफजाई से ये सरगर्मियाँ
फिर से शुरू हुई हैं। पहले पहले उस मोरीपोरा गांव में पंडित लोग थे, वही बांड पत्र करते थे और इसके बाद हम भी इनके साथ मिलजुल कर बांड पत्र करते थे। भगत साहब के बाद जो हालात थे तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ मैं ही नहीं थम गया, सारी वादी थम गई और धीरे धीरे अब ये कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। तो इस पीरियड में भगत साहब के गुजरने के बाद आज तक जो मुझसे हो सका नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर, इस थिएटर को आगे ले जाने के लिए मैंने अपनी भरपूर मेहनत और मशक्कत की। तो मुझे आज लग रहा है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह वक्त करीब है कि हाँ, जब हम बराबर उस स्टेज पर उसको लाएंगे जिस स्टेज पर ये 89 से पहले था हमारा थिएटर। सरकारी जायदाद के साथ साथ अवामी सहूलियात के वसाइल को खास तौर पर पुलों को निशाना बनाया गया, जिससे अवाम के मुश्किलात में इजाफा हुआ। लेकिन इन तामीर और तरक्की के कामों में तेजी आई है। टूटे हुए पुलों की तामीर नौ हुई है, जिसमें ये खूबसूरत पुल भी शामिल है। इसी तरह आमदोरफ्त में दरपेश मुश्किलात दूर हो गए हैं। हालांकि कश्मीर में अब हालात में एक नुमाया तब्दीली आई है और अवाम नए कश्मीर का ख्वाब दिल में सजाए तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। ये नज़ारा है कश्मीर के एक कस्बे काजीगुंड का। जवाहर टनल से होकर जब कौमी शाहरा के रास्ते हम वादी की तरफ बढ़ते हैं तो ये रास्ते में पड़ने वाला पहला कस्बा है। ये काजीगुंड में वाका ऑक्ट्रॉय पोस्ट है, जहां मासूल वसूल किया जाता है। ये ऑक्ट्रॉय पोस्ट रियासत की आमदनी का एक अहम जरिया है, गो कि कुछ बरसों तक इसका काम कई वजूहात की बिना पर मुतासिर रहा। लेकिन सरकार ने इसको मुअस्सर बनाने के लिए कई इकदाम किए हैं। इसमें जदीद कारी की गई है और अब महसूल अदा करने के लिए कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ता है। जैसे कि ये टोल पोस्ट है, ये हमारे वैली का सिंगल एंट्री पॉइंट है और यहाँ से जब कोई गाड़ी पास होती है तो हर गाड़ी ने यहाँ पे टोल पे करना होता है। एवरी व्हीकल, बेशक वो बड़ी गाड़ी हो, बड़ा ट्रक हो, छोटी गाड़ी हो, जीप हो, कार हो, हर किसी ने यहाँ पे टोल कटाना होता है और इस टोल से हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं अपने गवर्नमेंट के लिए। तो यहाँ की हमारी रेवेन्यू 11-12 करोड़ तक रेवेन्यू वी आर जनरेटिंग ओवर हीयर। इस साल हमारा 11.03 करोड़ हुआ है टर्नओवर। तो यू कैन सी दैट देयर इज़ अ लीप इंक्रीज इन द रेवेन्यू जनरेशन ड्यू टू द टूरिस्ट कमिंग हियर। तो अगर टूरिस्ट ऐसे ही आते रहे तो हमारा ख्याल कि हमारा रेवेन्यू लीप्स एंड बाउंड्स में बढ़ेगा। अभी से एक दो महीने पहले से टूरिस्ट आने शुरू हो गए हैं, तो ये प्रोसेस चल पड़ा है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो काफ़ी टूरिस्ट आएंगे हमारे यहाँ पे और हमारी रेवेन्यू में भी इंक्रीज होगी। कारोबार और तरक्की का दौर चल पड़ा है। काजीगुंड का ये कस्बा इसका जामिन है। ये कस्बा कई एतबार से अहमियत का हामिल है। जब सयाह वादी कश्मीर में दाखिल होते हैं तो यहाँ के पुरतपाक लोग इन्हें सबसे पहले खैर मकदम करते हैं। यहाँ सयाह चाय नाश्ता नौश फरमाते हैं और कश्मीर की रिवायती चीज़ों से सजी दुकानों पर जमकर खरीदारी करते हैं। हर तरफ जिंदगी रवां दवां नजर आती है और लोग अपने अपने कारोबार में मशगूल हैं। रोजगार के नए वसाइल, नए मौके खुल रहे हैं और सरकार की तामीर और तरक्की की कोशिशें रंग ला रही हैं। हर शख्स के दिल में एक नया पुरसुकून कश्मीर बनाने का ख्वाब है। खुदा करे कि वादी कश्मीर को दोबारा किसी की बुरी नजर न लगे। मैं बम्बई से आया हूँ, बम्बई बोरिवली में रहता हूँ मैं। कश्मीर की ब्यूटी तो ऐसी है, अभी इस मौसम में आप और देखेंगे तो आपको स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है। इधर का हर मौसम अलग है, गर्मी के दिन में इधर का माहौल अलग है, सर्दी के दिन में इधर का माहौल अलग है। काजीगुंड इज कॉल्ड एज सिटी ऑफ ड्राई फ्रूट्स, ये इधर की स्पेशलिटी है। तो यहाँ चाय के लिए रुकते और ड्राई फ्रूट्स का भी इधर का मेन अट्रैक्शन है। दिमाग में कश्मीर की तस्वीर थी जब बम्बई से हम निकले, ये कश्मीर कैसा होगा, रास्ता कैसा होगा,
इधर जब आ गए यहाँ पर पूरा घाटी का ये किया, सोनमार्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर लोकल, वो सब जगह हम घूमे। बहुत अच्छी बर्फ़ देखने मिली गुलमर्ग और सोनमर्ग में, वो सब ने इन्जॉय की। और रोपवे और जब गुलमर्ग वाला जो है और ऊपर तक जा रहा है, वहाँ से और ऊपर तक जाएगा तो मेरे ख्याल से स्विट्ज़रलैंड को ही जाएगा। इन्हें बहुत सारी तस्वीरें भी उतारी है, वो सबको दिखा दूंगा और सबको बोलूंगा कि आ जाओ, कश्मीर जन्नत है। दोस्तों, ये था हमारा आज का सफरनामा। आज के सफर को यही खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे और इस सफरनामे को आगे बढ़ाएंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। आदाब। प्रोग्राम अक्स अक्स के आज के शुमारे में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है, जिसके जरिए हम आपको वादी कश्मीर की बदलती हुई तस्वीर से रोशनास करा रहे हैं। इस बदलती हुई तस्वीर के हर रंग में जहां तरक्की का रंग नुमाया है, वहीं अवाम एक खुशहाल जिंदगी जीने का सपना आंखों में बसाए हुए है और हर तरफ एक उम्मीद जागी है कि अमनो अमान का ऐसा माहौल होगा जहाँ हर कोई बिना भेदभाव के अपना जीवन जी सकेगा। ईद और दिवाली की खुशियां रिवायत की रौनक के साथ मनाई जाएंगी। हमारा आज का पड़ाव है अनंतनाग। खूबसूरत चश्मों के अनगिनत अक्सों वाला यह जिला पूर्वी कश्मीर का निहायत ही अहम जिला सदर मकाम है। सैकड़ों मीलों पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर फैला यह जिला वादी में दाखिल होने वाले हर शख्स का बनिहाल की जवाहर टनल पार करते ही बाहें फैलाकर इस्तकबाल करता है। तो आइए चलते हैं अनंतनाग। 1 लाख से जायद नफूस पर मुश्तमिल और तकरीबन 10 किलोमीटर वसी कस्बा अनंतनाग न सिर्फ अपनी इंतजामी और तिजारती अहमियत के लिए मशहूर है, बल्कि इस कस्बे की आगोश में कश्मीर के रिवायती मजहबी भाईचारे की वो दीरीन रिवायत बल्कि जमा हुई है जिसकी मिसाल सदियां गुजरने के बावजूद नहीं मिलती। ऋषि मोल साहब का आस्तानी आलिया इस आलिशान और काबिल तकलीद रिवायत की जिंदा हो जावेद मिसाल है। Allah
अल्लाह ताला ने ये दर्जा दिया है, ये अजली मकबूल हैं। फिर दुनिया में इन्होंने अमल किया है, खुदा ने फरमाया है ये हमारे वली हैं, ये हमारे दोस्त हैं। आप यकीन रखो जब वलियों के पास आप आते हैं, ये तुम्हारा आना जाना सब जानते हैं, तुम्हारे मुश्किल कुशा हैं ये, क्योंकि इनके पास खुदाई ताकत है। इनको अपना ताकत नहीं है, इन में खुदाई ताकत है। इसी वास्ते फरमाता है डॉक्टर इकबाल, आदम आदम मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से ये आदम जुदा नहीं है।